उन पेपर्स को डिस्कस किया करेंगे। जरा 2 मिनट दीजिएगा, आजान हो जाए। तो बेटा हम ये किया करेंगे, 2012 से 2016 तक के हम पेपर्स डाउनलोड कर लूँगा मैं अपने पास, आप भी अपने पास कर लीजिएगा। तो हम उसमें से मैं आप लोगों को टॉपिक पहचानना भी सिखाऊंगा और साथ साथ आपको पास पेपर्स भी करवाऊंगा। स्टार्ट करते हैं, स्टेम एंड लीफ तक हमने कर लिया था जनाब। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं दीज आर एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर फ्रेंच एंड फॉर इंग्लिश अचीव बाय पीपल्स इन अ पर्टिकुलर क्लास। अब देखिए, मैंने आपको ये समझाया था कि स्टेम एंड लीफ, मैंने आपको समझाया था सिंगल डायमेंशन, इसमें बनेगा डबल डायमेंशन। सवाल ये कि सर डबल डायमेंशन से क्या मुराद है? जब दो अलग अलग डेटा हो और मुझे उनको रिप्रेजेंट करना हो तो उसको मैं कह रहा हूँ डबल डायमेंशन। और एक्चुअली उसका जो वर्ड होता है वो होता है बैक टू बैक। बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम का मतलब है कि एक ही स्टेम एंड लीफ डायग्राम में आप दिखाएंगे जिसमें स्टेम एक बनेगी, लीव्स अलग अलग बनते हैं। तो हमें पहले डिसाइड करना होता है कि हमारे पास स्टेम्स कौन कौन सी होंगी। देखें, यूनिट प्लेस हमेशा लीफ पे जाता है, यूनिट प्लेस हमेशा लीफ पे जाता है। उसके अलावा जो कुछ बचता है वो हम स्टेम में लिखते हैं। देखें, एक तरफ मैंने इंग्लिश लिखा और एक तरफ मैंने फ्रेंच लिखा। मेरे पास जो यूनिट्स हैं वो लीफ पे जाएंगे और जो टेंस हैं वो मेरे पास स्टेम पे जाएंगे। क्या यहां तक बात समझ आ गई? Both of you. नाल? जी सर आ गई। ठीक है, तो अब मेरे पास अगर मैंने फ्रेंच में भरना है तो 4-3 जो है, 4-3 का मतलब है 3 of 4। तो फ्रेंच की वैल्यूज मैंने सारी भर दी, इन वैल्यूज में कोई मसला? देखिए, पहली वैल्यू 4-3 थी, येरी। फिर मेरे पास क्या था? 5-5 था, तो ये रहा 4-3, फिर 5-5, फिर 2-9, फिर 4-9, फिर 3-6, फिर 5-5, फिर 6 का 1, फिर 3 का 4, फिर 4 का 2, फिर 4 का 2, फिर 5 का 4, फिर 6 का 0, फिर 4 का 8। क्या ये बात समझ आ गई है? अभी दोनों को क्लियर है? सर मुझे तो इतना नहीं समझ आया ये। ठीक है, दोबारा से बताऊं? दोबारा से समझते हैं। ये बताओ, स्टेम एंड लीफ डायग्राम जो लास्ट क्लास में पढ़ाई थी वो वाली याद है या भूल गई हो? याद है। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले फ्रेंच में क्या लिखा हुआ? 43 लिखा हुआ है ना? जी। तो 43 का मतलब है के 3 of 4, 3 of 4। थ्री ऑफ फोर का मतलब है कि 4 के अंदर 3। बात समझ आ रही है? जी। 5-5 का मतलब है कि 5 के अंदर 5। 2-9 का मतलब है 2 में 9।
फिर 4/9 का मतलब है 4 May 9। फिर 3 May 6। फिर 5 May 5। अब समझ आ रही बात? जी सर, अब आ रही है। 6/1 का मतलब है 6 May 1। फिर 3 May 4। फिर 4 May 2। फिर 4 May 2। फिर 5 May 4। फिर 6 May 0। फिर 4 May 8। फिर 2 May 3। फिर 4 May 4। बात समझ आ गई बेटा? जी सर, आ गई। फिर 3 May 1। फिर उसके बाद 5 May 5। उसके बाद 4 May 5। फिर क्या आपके पास? 3 May 7। फिर क्या आपके पास? 5 May 7। बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब इंग्लिश में वैल्यूज भरना शुरू की, तो इंग्लिश को देख देख के भरूंगा। जी बेटा, ये जैसे अभी तो मतलब डबल डिजिट के नंबर है ना, ये क्या 100 में हो सकते हैं? आप थोड़ा जोर से बोले, आवाज कम आ रही है आपकी बहुत। सर मैं कह रहा हूँ जैसे अभी जैसे 43, 55 लिखा हुआ है, ये इस तरह से था कि 439, अगर इस तरह ट्रिपल डिजिट का वो कितने करेंगे? तो वो की से पता चलेगा ना, अभी हम की में बताएंगे इस बारे में कि हमारे मुताबिक 241 का क्या मतलब है। सही है, वेट करें। अब देखो मैंने की में क्या लिखा है, 243। तो 4 मेरा स्टेम है, ये 2 कहाँ का है? इंग्लिश का है, फ्रेंच का है? सर 2 जो है लेफ्ट साइड है ना, फ्रेंच का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 42 है। और अगर इधर से पढ़ूंगा तो क्या है? फोर्टी थ्री है, क्योंकि राइट हैंड साइड पर इंग्लिश लिखा हुआ है। तो यही लिखा मैंने कि 42 फॉर फ्रेंच है ये, और 43 फॉर इंग्लिश है। बात समझ आ रही? मिनाल बेटा बात समझ आ गई? की वाली बात समझ आ गई? मिनाल शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? और समझ आ गई? नहीं सर, आ गई समझ में। ठीक है, अच्छा एमर आपको भी समझ आ गई? जी सर। अच्छा क्वेश्चन की पिक्चर ले ले, और ये जो इसका सोल्यूशन है ये नोट करें। 2 मिनट्स दे रहा हूँ। और नोट करने का मतलब है नोट करना है, पिक्चर लेके रखनी नहीं है। ठीक है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो मैं नोट करने को बोलूँ वो आपने नोट करना है। जो मुझे पता है कि अभी पिक्चर से काम हो जाएगा उसकी पिक्चर लेने दूंगा, वरना नोट करना है। 2 मिनट है आपके पास। सर
जी बेटा ये इंग्लिश के साइड पे मतलब आपने 1 और 3 में इतनी स्पेस क्यों दी, मतलब एक वो ऐसे ही दिया, आप कंबाइन करके लिखते हैं एक साथ, इतना उसका कोई इशू नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया सर, हाँ भी डन जी सर। हाँ भाई आगे चले, जी सर चले। ओके अच्छा, अब इस डायग्राम में हम हिस्टोग्राम सीख रहे हैं। वो कह रहे हैं ग्रुप डाटा कैन बी डिस्प्लेड इन अ हिस्टोग्राम। एक हिस्टोग्राम आपके सामने बना हुआ है, तो वो ये कह रहे हैं कि वन बॉक्स रिप्रेजेंट्स वन पैसेंजर। जो एज है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पर दी गई है, वाई एक्सिस पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दी गई है। मेरे पास जो पहला रेक्टेंगल बना हुआ है वो आप देख सकते हैं, ये रहा, ये कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 20 तक है। दूसरा बॉक्स कहां से कहां तक है, 20 से लेकर 40 तक है। देन 40 से लेकर 50 तक है। सही क्यों नहीं बन रहा ये? उसके बाद कहां से कहां तक है, 70 तक, एंड देन 70 से लेकर 100 तक। ये मैंने हिस्टोग्राम से कन्वर्ट करना है टेबल में। तो सबसे पहले मैंने इंटरवल्स मेंशन करने हैं। तो जब भी मैंने हिस्टोग्राम से कन्वर्ट करना है टेबल में, तो सबसे पहले मैं उसके इंटरवल्स लिखूंगा। जनाब पहले बॉक्स में क्या नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिखी हुई है, मैंने 4 लिख दिया। दूसरे में 44 लिखा है, मैंने लिख दिया। तीसरे में 36 लिखा है, मैंने लिख दिया। चौथे में 28 है, एंड देन 6 है, लिख दिया मैंने। लेट से अगर ये नंबर्स ना लिखे होते तो मैं कैसे पता लगाता, मैं ऐसे पता लगाता कि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, वो आती है लेंथ इनटू हाइट से। अगर एक बॉक्स मैं यहां देखता हूं, मेरे पास जो लेंथ है पहले इंटरवल की वो कितनी है, 20 है, और हाइट कितनी है, 0.2 है। तो जनाब ये बात जरा समझने वाली है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ।
एक बॉक्स 0.2 का है तो 20 मल्टीप्लाई में मैंने 0.2 कर देना है तो पहले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मेरे पास। तो बताएं नेक्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, उसकी लेंथ हम कंसिडर करेंगे 20 और उसकी हाइट हम कंसिडर करेंगे 2.2। यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं होती लेकिन अगर हम बता दें तो सिर्फ हमारी अपनी आसानी है। तो जरा मुझे थर्ड बॉक्स के बारे में बताएं मिनाल, थर्ड बॉक्स में हम लेंथ क्या लेंगे और हम हाइट क्या लेंगे? सर लेंथ हमारी हो गई 10 और हाइट हो जाएगी 3.6। बिल्कुल सही है। अच्छा भाई फोर्थ बॉक्स की आप बताओ अमर। सॉरी सर फोर्थ बॉक्स की आपने लेंथ और हाइट बतानी है। सर फोर्थ बॉक्स जो हाइट है वो है 1.4। ठीक है 70 है। लेंथ 20 है। ठीक है जी, समझ आ गई ये बात? जी जी सर। ठीक है मैम, तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है। तो जनाब फ्रीक्वेंसी बराबर होता है इंटरवल विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसका मतलब अगर मुझे इंटरवल विड्थ निकालनी है तो वो कैसे आएगी? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय हाइट, और हाइट कैसे आएगी? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इंटरवल विड्थ। तो इसमें से कुछ भी निकालने को आपको आ सकता है। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन साइड में ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये अपने रजिस्टर में नोट करें। When you are done, please tell me. Done, sir. Sir, okay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनाब इन्होंने हमें एक टेबल दिया है जिसके अंदर टाइम दिया हुआ है और उसके अंदर किसी चीज की किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। लेट से मैं कहूँ 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक जो है कितनी गाड़ियां गुजरी, 3 मिनट से 9 मिनट तक कितनी गाड़ियां गुजरी, कोई भी डाटा हो सकता है। तो टाइम ड्यूरेशन गिवन है हमें और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमें निकालनी है इंटरवल की विड्थ। तो बड़ा आसान है भाई, 1 से लेकर 3 तक 2 होगी, 3 से लेकर 9 तक 6 होगी, 9 से लेकर 15 तक 6 होगी और 15 से लेकर 20 तक 5 होगी। अब अगर मैं इनकी हाइट निकालना चाहूं तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, आपके पास लिखा हुआ भी है कि भाई फ्रीक्वेंसी बराबर होती है इंटरवल विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अगर मुझे हाइट निकालनी है तो वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी दिखाते हैं और राइट हैंड साइड पे मतलब एक्स एक्सिस सॉरी हॉरिजॉन्टली हम दिखाते हैं अपना जो भी वैल्यू होती है। तो एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ ड्यूरेशन दिखानी है। तो इसका मतलब अगर हिस्टोग्राम बना हुआ हो तो हम डाटा कैसे रिट्रीव करेंगे वो पिछली स्लाइड में देखा हमने, और
डेटा गिवन हो तो उससे हिस्टोग्राम कैसे बनेगा वो हम इस स्लाइड में देख रहे हैं। तो हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो पहली हाइट कितनी आएगी वो हम देख लेते हैं। सर हम वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नहीं लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिखेंगे, अभी लिख दूंगा जनाब। 1 से लेकर 3 तक मैंने हाइट रखी 5, क्या ये बात समझ आ गई? जी। तो 3 से लेकर 9 तक जो हाइट है वो 7 तक होगी, क्योंकि 6 7s are 42। देन तीसरे का क्या होगा अहमद? तीसरे की हाइट कितनी होगी? जो हमने पहले निकाली थी ना, तो कैसे निकालेंगे बताए ना? 3.6 नहीं, 12 को हम डिवाइड करेंगे 6 से। एमर ये बताइए, क्लास आप मोबाइल पे ले रहे हैं? नहीं सर, लैपटॉप पे। इस पे लैपटॉप पे? जी। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा देखो होगा क्या, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं इंटरवल से तो हमारे पास हाइट आ जाती है। तो मिनाल लास्ट वाली की कितनी आएगी? 1.4। बिल्कुल सही बताया। यहाँ साइड पे मैंने हाइट निकाल के बताइए। अच्छा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए बेटा आपके पास ग्राफ बुक होनी चाहिए, ठीक है? तो काइंडली एक ग्राफ बुक ले लीजिएगा ताकि हम सबके लिए आसानी हो जाए। तो इस तरह के सवाल जो भी होंगे जाहिर सी बात है वो हम ग्राफ बुक पे करेंगे, और ग्राफ बुक सेंटीमीटर्स वाली होगी, ठीक है? फिलहाल रफ स्केचिंग करिए कॉपी में फटाफट। सर डन, पूरा स्केच वगैरह सब कुछ बनाया है जी? ठीक है, मनाल समझ आ गया? जी सर। कैमरा आपको समझ आ गया? एमर व्हेन यू आर डन प्लीज टेल मी।
फिर हो गया ठीक है बेटा। जनाब यहाँ पर सबसे पहली चीज एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास मार्क्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। पहला प्रॉब्लम ये था यहाँ पर कि गैप्स थे, हिस्टोग्राम में गैप्स नहीं होने चाहिए, डाटा कंटिन्यूस होना चाहिए। तो 0 से 9 तक के बाद 10 से 19 है, तो हमें इसको सही करना पड़ेगा। हम लोअर क्लास बाउंड्री से 0.5 पीछे करेंगे और अपर क्लास बाउंड्री से 0.5 आगे करेंगे। तो होगा क्या कि जो जीरो है वो चला जाएगा -0.5 पे, जो 9 है वो चला जाएगा 9.5 पे, जो 10 है वो भी 9.5 पे आ जाएगा। तो जो भी लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं, मतलब जो पहली वैल्यू होती है उसको हम लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं, जो अगली वैल्यू होती है उसको हम अपर क्लास बाउंड्री कहते हैं। तो लोअर क्लास बाउंड्री को हम 0.5 पीछे और अपर क्लास बाउंड्री को हम 0.5 आगे करते हैं। इंटरवल की बिट कोई मुश्किल काम नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बेसिकली हाइट को कहते हैं, तो वो हाइट हमने निकाल ली। कैसे वो आपको पता है, अभी पिछली स्लाइड में सिखाई है। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी सर। तो जनाब ये इसका एक अदद हिस्टोग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिक्चर ले लें इसकी, जी भाई डन आगे बढ़े। जी सर। एम आर आगे बढ़े। ओके यार, मेरा ख्याल है मीन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फास्ट पेपर्स कर लेते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, मैं इसको एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करेंगे सेम आईडी से, ठीक है?